नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेनिफिट ऑफ मल्टी लैंग्वेज ब्लॉग। अगर आप मल्टी लैंग्वेज ब्लॉग बनाते हैं तो आपको क्या क्या एडवांटेज मिलता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक ले करके आता हूँ। दोस्तों जब आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप कन्फ्यूजन तो यही होता है कि ब्लॉग किस लैंग्वेज में लिखें। तो आप लोग अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हिंदी, जिनको अगर इंग्लिश कम आती है वो हिंदी ले लेते हैं, और जिनको पंजाबी आती है वो पंजाबी ले लेते हैं। और फिर आप सोचते हैं कि इसमें गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों होता क्या है ना कि जब आप ब्लॉग बना लेते हो, हिंदी में ब्लॉग बना लेते हो, तो आप सोचते हो कि आपका SEO जो है, कीवर्ड रिसर्च जो है, आपने इंग्लिश में किया था, आपने हिंदी में लिखा है, तो ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों आज मैं उन सभी चीज़ों का तरीका बताने वाला हूँ कि आपको मल्टी लैंग्वेज ब्लॉग कैसे बनाना है। दोस्तों जब आप हिंदी में ब्लॉग अगर बना रहे हैं सपोज, और आपने कीवर्ड रिसर्च इंग्लिश में किया है, तो आपको क्या करना है ना, पूरा का पूरा कॉन्टेंट हिंदी में लिखना है, और उसका जो मेन कीवर्ड है, जैसे अगर मैं ब्लॉगिंग के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ब्लॉग का डोमेन कैसे खरीदते हैं, तो हाउ टू परचेज अ डोमेन नेम। तो अब डोमेन को अगर मैं हिंदी में लिखूँगा तो उसका सर्च वॉल्यूम जो है बहुत कम आ जाएगा, लेकिन अगर मैं डोमेन इंग्लिश में लिखता हूँ DOMAIN हाउ टू परचेज डोमेन लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं ब्रैकेट में हिंदी में लिख देता हूँ डोमेन कैसे खरीदे, और उसके बाद मैं हिंदी में एक्सप्लेन अगर मैं करता हूँ तो वो ब्लॉग का स्ट्रक्चर भी एक नया हो जाएगा। प्लस अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हैं, किसी के ब्लॉग से कॉपी कर रहे हैं, तो भी वो आपका जो पिलग्रिम जो चेक होता है उसमें नहीं आ पाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। दूसरा बेनिफिट होता है मल्टी लैंग्वेज ब्लॉग बनाने का। जैसे अगर आप सपोज शायरी ब्लॉग बना रहे हैं, आपने हिंदी में ब्लॉग लिखा, अब हिंदी में ब्लॉग लिखने के बाद में आप सोच रहे होंगे इसमें मल्टी लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे, तो अब शायरी हिंदी में आपने लिख दिया, अब उसके ऊपर में तो आप कुछ दोगे ना, दिलकश शायरी, दर्द भरी शायरी, आप उसको जो है इंग्लिश में लिखिए, आपका जो मेन कीवर्ड है ना दर्द भरी शायरी, उसको इंग्लिश में लिखिए, और उसका जो शायरी का कंटेंट है वो हिंदी में लिखिए, और उसके जस्ट नीचे में आप उसका ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी शायरी, एबव हिंदी शायरी, ऐसा करके आप नीचे में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पंजाबी ब्लॉग बना रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करे, तो आप पंजाबी के साथ साथ उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अपने ब्लॉग में कर सकते हैं। और ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है कि आपका ब्लॉग अगर मल्टी लैंग्वेज में है तो आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अप्रूवल आपको सेम टू सेम वैसे ही मिलेगा जैसे मिलता है। लेकिन मल्टी लैंग्वेज ब्लॉग में आपका बेनिफिट क्या हो जाता है कि आपका एक रीच बढ़ता है, रीच मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाते हैं। दूसरा, आपका कॉन्टेंट में SEO करने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आप पहला SEO करते हैं हिंदी में, हिंदी में आप कोई सर्च वाला टर्म है वो डालते हैं, फिर आप इंग्लिश में भी उसका जो सर्च वाला टर्म है वो डाल दिया, प्लस अगर आपने उसका भी पंजाबी में भी कर दिया है तो भी बेनिफिट है। अगर आप मल्टी लैंग्वेज 5-6 लैंग्वेज में अपने जो ब्लॉग है उसको ट्रांसलेट करके डाल रहे हैं, तो इससे आपका रीच भी बढ़ता है, पेज का कॉन्टेंट बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपका टॉप पर रैंक करेगा। तो आपको ये समझना है कि आपको कॉन्टेंट कैसे लिखना है, और देखिए ब्लॉग बनाना बहुत ही छोटा सा चीज़ है, लेकिन एक ब्लॉग को सक्सेसफुली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक आर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वही आर्ट जो है ना वो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो दोस्तों अगर आप ब्लॉग में मल्टी लैंग्वेज यूज करते हैं दोस्तों, तो और सोच रहे हैं कि गूगल एडसेंस आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि 100% गूगल एडसेंस आपको मल्टी लैंग्वेज ब्लॉगिंग में मिलेगा, और इसका बहुत सारा बेनिफिट है। और दोस्तों मैंने बहुत सारा रिकमेंडेशन आप लोगों को किया है, लेकिन ब्लॉग लैंग्वेज के बारे में मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप हिंदी में ब्लॉग बना रहे हैं तो अपना कीवर्ड जो मेन कीवर्ड है उसको इंग्लिश में डालें, और उसको ब्लॉग में हर जगह यूज करें, 150 वर्ड के नीचे में यूज करते जाएं, तो मल्टीपल लैंग्वेज ब्लॉग बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि इंग्लिश में कोई ब्लॉग है और वो रैंक कर रहा है तो मैं हिंदी में बनाऊंगा तो वो रैंक करेगा या नहीं करेगा, ऑब्वियस है करेगा। गूगल का नया पॉलिसी मैंने वीडियो में बताया था कि नए जो ब्लॉगर है उनको हेल्प करता है, उनको प्रेफरेंस देता है,
तो ये आप भूल जाइए कि कोई पुराना साइट अगर रैंक कर रहा है तो आपका ब्लॉग रैंक नहीं करेगा। अगर आप क्रिकेट का ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोग को मैंने रेफरेंस के लिए मैंने इंग्लिश का कुछ वेबसाइट मैंने उनको बताया है कि आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि इसमें रैंक करेगा नहीं करेगा। रैंक करेगा दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपको, रैंक डेफिनेटली करेगा, बस आपको थोड़ा सा हिम्मत करना है, थोड़ा सा आपको स्टार्ट करना है ब्लॉग। वंस यू स्टार्ट योर ब्लॉगिंग, आप धीरे धीरे आपको रास्ता दिखाई देने लगता है। जहाँ तक दिखाई दे रहा है दोस्तों, वहाँ तक चलने का कोशिश कीजिए, वहाँ पहुँचने के बाद आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद दिखाई देगा। ब्लॉगिंग में आपको ये चीज़ फॉलो करना होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।